सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 24 घंटों के दौरान 11692 नए मामले आए और केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर चेताया कि सतर्क रहें। कुछ राज्यों के आंकड़े देखिए अब आप। हरियाणा में जानलेवा हुआ कोरोना, 24 घंटों में 3 लोगों ने दम तोड़ा, 1059 नए मामले मिले। बिहार में भी कोरोना के एक्टिव केस 700 के पार हुए, 24 घंटों में 133 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में 584 नए मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के 1862 एक्टिव केस हो गए, 24 घंटों में 389 नए मामले मिले। झारखंड में भी संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, 24 घंटों में 46 नए केस आए, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल देख लेते हैं। देखिए एसएससी जीडी पीईटी एग्जाम को लेकर खबर है कि अब 1 मई से होगा जीडी फिजिकल टेस्ट। सीआरपीएफ ने जारी किया नोटिस, प्रशासनिक कारणों से हुआ स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को भी 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पेपर लीक मामले को लेकर सभी परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक गलत आंकड़ा दिखाया जा रहा है, तो यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1078 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि इंटरनेट पर 5000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी होने का दावा किया जा रहा है, जो कि गलत है। भारत में है ना अभी 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं। वहीं हरियाणा में पीजीटी अभ्यर्थियों को फिर से बड़ा झटका लगा, हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक, एग्जाम पैटर्न बदलना बनी वजह, सरकार और एचपीएससी को नोटिस भी जारी किया। अच्छा, दूरदर्शन में सरकारी नौकरियां निकली हुई हैं, वीडियोग्राफर की वैकेंसी निकली है 41 पदों पर, 40,000 तक सैलरी मिलेगी इसमें, अधिकतम 40 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ना। और मध्य प्रदेश में देखिए परीक्षाओं के लिए एक ही बार शुल्क की व्यवस्था अभी 1 वर्ष के लिए लागू की गई है, यानी कि 1 साल तक के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही बार शुल्क देना पड़ेगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भारत बांग्लादेश अब रुपये और टका में सीधे करेंगे व्यापार, वाणिज्यिक लेन देन पर ऐतिहासिक फैसला हुआ। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, ऑटोमेटिक डिलीट होने वाले मैसेज को भी अब आप सेव कर पाएंगे, यानी कि जो डिसअपीयरिंग मैसेज होते हैं ना उनको भी यूजर सेव कर सकेंगे, ये नया फीचर भी व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया। अच्छा, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान शिमला में राष्ट्रपति निवास को आम लोगों के लिए खोलने की घोषणा कर दी है, इसकी आधिकारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होगी। 23 अप्रैल से ही आम लोग भी शिमला में राष्ट्रपति निवास का भ्रमण कर पाएंगे, है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा समलैंगिक मामले को लेकर कि शादी से पहले नोटिस का नियम पुरुषवादी सोच पर आधारित है, इससे कमजोर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई चल रही है और इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, देख सकते हैं। वही देखिए हिमाचल प्रदेश में 15 दिन में तैयार होंगे ड्रोन के उपयोग से संबंधित नियम, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। बड़ी खबर है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएट छात्राओं के लिए खुशखबरी आई है, खाते में 50,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल बिहार सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई जाती है ना, तो ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर कल शुक्रवार से ही छात्राओं का नाम जुड़ना शुरू हो गया। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश भी दिए भेजा गया कि 2021 से अक्टूबर 2022 तक जो स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी छात्राएं हैं ना, उनका नाम पोर्टल पर अपलोड करें। तो अगर आप भी ऐसी लड़कियां हैं तो आपको 50,000 रुपए की मदद देगी बिहार सरकार, अगर आपने स्नातक पूरी कर ली है तो। अब तक 19,000 से भी ज्यादा छात्राओं का नाम जुड़ चुका है। ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए झारखंड में रिम्स में हड़ताल से 28 मरीजों की मौत मामले में जांच कमेटी बनाने का निर्देश जारी किया, अब 4 मई को होगी अगली सुनवाई। बड़ी खबर है राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया, शनिवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे चाबी। अब सवाल ये कि आखिर कहां रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट जारी हो चुका है, नेट प्रॉफिट 19% तक बढ़ा, जियो का मुनाफा भी 13% बढ़ा। वैसे रिलायंस अब एक नया बिजनेस भी शुरू करने जा रही है, देखिए आप, स्टारबक्स को टक्कर देने के लिए कॉफी बिजनेस में उतरे मुकेश अंबानी। प्रेट ए मैनेजर का पहला स्टोर मुंबई में ओपन कर दिया, 5 साल में भारत में 100 आउटलेट खोलने का टारगेट रखा है। वह देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए थे जवान, उनमें से 4 जवान पंजाब के हैं, उनको पंजाब सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह अनाउंसमेंट किया है। बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में बिड़ला की हुई वापसी, कंपनी ने कुमार मंगलम को एडिशनल डायरेक्टर बनाया, इस फैसले के बाद 6% VI का स्टॉक भी बढ़ा। अच्छा, आने वाले 1 मई से कई सारे बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, GST वगैरह को लेकर भी बड़ा फैसला है, बैटरी से चलने वाले वाहनों को भी बड़ी राहत मिल सकती है, तो काफी कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट है, म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव होगा, ATM ट्रांजेक्शन पर भी चार्ज वगैरह लगेगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर आपको 1-1 करके सारे नियम बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अलग से DLS न्यूज चलाऊंगे 1-2 दिन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, है ना। वही देखिए खेल समाचार पर खबर, चेन्नई की हैदराबाद पर 15वीं जीत, 7 विकेट से जीता मुकाबला, कॉनवे ने जमाई 50 की हैट्रिक, जडेजा ने लिए 3 विकेट। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी मस्जिद के पास वुजू के लिए पानी और टब की व्यवस्था कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया आदेश। वैसे यूपी में बिजली चोरी को रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, अब हर घर होगा रोशन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए ये नया प्लान बनाया है, इसके लिए एक तो बिजली चोरी करने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाएगी और एक और नई पहल देखिए आप, हर घर परिवार तक बिजली पहुंचाने के लिए छात्रों को नगद इनाम भी देगी। अब प्रदेश में एक भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा, यानी कि बिना कनेक्शन बिजली चला रहे लोगों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू करने जा रही योगी सरकार, और इस अभियान में छात्रों और स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। हर कनेक्शन की जानकारी देने वाले को 100 रुपए प्रति कनेक्शन नगद इनाम भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ऐसे घर के बारे में जानकारी देते हो सरकार को जो बिना कनेक्शन के बिजली
का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए हैंड टू हैंड मतलब सरकार की तरफ से इनाम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा ना। ये नई पहल शुरू की है योगी सरकार ने। वैसे उत्तर प्रदेश वाराणसी में कैंसर अस्पताल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुविधा का भी शुभारंभ कर दिया गया। अब कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी, टारगेटेड कीमोथेरेपी देने में भी मदद मिलेगी। वहीं देखिए अयोध्या में पहुंचा 156 देशों की पवित्र नदियों का जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का जलाभिषेक भी करेंगे। और ये एक वीडियो देखिए आप, आसमान में 37,000 फीट की ऊंचाई पर डांस करते हुए कतर जा रही फ्लाइट में बाराती इस गाने पर नाचे। मतलब देखिए फ्लाइट में बारात ले गए और झूम कर डांस करते हुए गए। बड़ी खबर है दिल्ली में, केजरीवाल सरकार ने कोविड योद्धाओं के परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ रुपए का चेक। अच्छा वहीं देखिए बॉलीवुड से खबर है कि IMDb ने मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की है। शाहरुख की फिल्म जवान पहले नंबर पर रही, एनिमल और आदि पुरुष दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है। और सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी ईद के मौके पर रिलीज हो चुकी है कल शुक्रवार को। हालांकि कल इतनी ज्यादा धमाके के साथ ओपनिंग नहीं रही, उम्मीद आज ईद पर दर्शक मिले इसको। वही देखिए दोस्तों रूस यूक्रेन जंग के बीच सैनिकों की स्पर्म फ्रीजिंग भी की जा रही है ताकि नई पीढ़ियों में जांबाज देशभक्तों का जीन सेफ रखा जा सके। भविष्य के खतरे से निपटने की ये तैयारी है। और देखिए मनी हाइस्ट वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी तो किस तरह से उसमें सोना चोरी किया जाता है, उस तरह की हकीकत की घटना कनाडा में हो गई। कनाडा के एयरपोर्ट से 121 करोड़ का सोना चोरी हो गया, पूरा का पूरा कंटेनर उठा ले गए चोर, 3 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। मतलब देखिए चोरों का लेवल। और वही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 8 दोषियों को जमानत दी, 4 की याचिका खारिज की जबकि 3 दिन पहले 11 को जमानत देने से इनकार किया था। और हाँ दोस्तों जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भक्ति भाव से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए श्री मंदिर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जय हिंद जय भारत। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.